हाय एवरीवन, मेरा नाम है राज, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों का डिमांड था कि सर हमें रो हाउस भी दिखाइए, इंडिपेंडेंट हाउस दिखाइए बहुत ही सस्ते में। तो दोस्तों, आज मैं ऐसी ही प्रॉपर्टी आप सभी के लिए लेके आया हूँ जो कि बहुत ही सस्ते में यहाँ पर आपको मिल जाएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, प्राइस और एरिया इस वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसी तरीके का इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए। सबसे पहले मैं बता दूं, ये प्रॉपर्टी है वांगनी में, स्टेशन से 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस में यह प्रॉपर्टी। इस तरफ आपको एक मंदिर बनाकर दिए गए हैं और चिल्ड्रन प्ले एरिया प्लस यहाँ पर आपको गार्डन एरिया मिल जाएगा इस वाले सोसाइटी पे। 50 प्लस रो हाउस यहाँ पर अवेलेबल है जो कि ऑलमोस्ट 90% सोल्ड हो चुका है। कुछ अवेलेबल है अभी भी जो आज मैं आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हो काफ़ी सारे फैमिली यहाँ पर रहने के लिए भी आ चुके हैं। ज़्यादा करके फर्स्ट होम सेकेंड होम दोनों ऑप्शन के लिए रखा जाता है यहाँ पर। एक बार मैं आपको यहाँ से दिखाते हुए लेके चलूँगा। अगेन, वांगनी में है, स्टेशन से 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस में यह प्रॉपर्टी। दोस्तों, अगर मैं इस प्रोजेक्ट का मेंटेनेंस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 500 करके मेंटेनेंस पे करना पड़ता है जो कि एक बहुत ही नॉर्मल सा मेंटेनेंस दिए जाते हैं। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का काफ़ी सारे रो हाउस यहाँ पर आपको बनाकर दिए जाने वाला है। काफ़ी सारे रो हाउस सोल्ड आउट हो चुका है, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट 90% सोल्ड है। एक बार मैं चलता हूँ सामने की तरफ। तो दोस्तों, आप मैं आ चुका हूँ अंदर की तरफ और ये रहा हमारा रो हाउस जहाँ पर आज हम देखेंगे 2 BHK 975 स्क्वायर फीट का, जो कि एक बिग साइज़ का रहेगा। तो आइए चलते हैं हमारे सैम्पल फ्लैट की तरफ। फाइनल की वर्क जब आपको पोजीशन देना रहेगा, पूरी तरीके से क्लीन करके कलर करके दे दिया जाएगा। एज अ सैंपल आज मैं आपको दिखाऊंगा 975 स्क्वायर फीट का सभी का रो हाउस। जो कलर है आप देख सकते हो, ये सेम एज इट इज़ आपको यहाँ पर मिल जाता है। फर्स्ट फ्लोर पे बालकनी, इसके ऊपर आपको टेरेस भी दिए गए हैं जो कि बिग साइज़ का रहेगा। एक बार हम एंट्री कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों आपका लिविंग। अगेन, 975 स्क्वायर फीट का 2 BHK का रो हाउस है ये। ये रहा इसका सीलिंग, देख लीजिए। एज अ सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। पोजीशन के वर्क आपको पूरी तरीके से क्लीन करके कलर करके दे दिया जाएगा। अगर आपको अंडर कंस्ट्रक्शन में चाहिए तो अंडर कंस्ट्रक्शन में भी आपको मिल जाएगा। अंडर कंस्ट्रक्शन में आप आपके हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। इस तरफ है आपका बाथरूम, ये रहा, ये आपका फर्स्ट नंबर बाथरूम रहेगा जो कि कॉमन दिए गए हैं। वॉल टू वॉल टाइल्स, ऊपर की तरफ शावर। फर्स्ट फ्लोर पर भी आपको सेकेंड नंबर बाथरूम मिल जाएगा। ये रहा आपका किचन का एरिया, सामने के वॉल में टाइल्स रहेगा। ये रहा इसका सीलिंग, वेंटिलेशन के लिए विंडो दिए गए, फ्रिज के लिए भी जगह है। इस तरफ है आपका स्टेयरकेस ऊपर जाने के लिए। चलते हैं ऊपर की तरफ, ये आपका स्टेयरकेस। जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे आपको पैसेज मिल जाता है, दो बेडरूम आपको मिल जाएगा। ये रहा आपका सेकेंड नंबर बाथरूम जहाँ पर आपको वेस्टर्न मिल जाता है। एक में आपको इंडियन, एक में आपको वेस्टर्न, सेम डिज़ाइन, वॉल टू वॉल टाइल्स। ऊपर आपको वाटर टैंक के लिए जगह दी गई है। छोटा सा वीडियो कंप्लीट देख लीजिए, आप कुछ भी कन्फ्यूजन आपका मन में नहीं रहेगा। ये रहा आपका फर्स्ट नंबर बेडरूम, बेड लगाकर भी आपको काफ़ी सारे स्पेस मिल जाएगा। ये रहा इसका सीलिंग, बेडरूम का सामने एक बालकनी दी गई है, 6x8 का विंडो रहेगा। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। अगेन, वांगनी में है ये प्रॉपर्टी, स्टेशन से 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस में है ये प्रॉपर्टी। रेडी पोजिशन पे मिल जाएगा, अंडर कंस्ट्रक्शन दोनों ऑप्शन है। मेन मुंबई से तकरीबन 2 घंटे का डिस्टेंस, वांगनी सिटी, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, तालुका कर्जत, स्टेट महाराष्ट्र। एक बार यहाँ से देखते हुए चलते हैं सेकंड नंबर बेडरूम की तरफ। फ्रेंड्स, इसका ऊपर जो स्टेयरकेस जाता है ये सीधा टेरेस के लिए जाता है जो कि 2 बेडरूम का साइज़ का आपको टेरेस मिल जाएगा ऊपर। ये रहा आपका सेकेंड नंबर बेडरूम, ये रहा इसका सीलिंग, आप देख सकते हो बिग साइज़ का आपको यहाँ पर बेडरूम मिल जाता है। यहाँ पर भी आपको बेड लगा कर काफ़ी सारी स्पेस मिल जाएगा। सामने की तरफ है आपका बालकनी, ये रहा, ये आपका बालकनी रहेगा। ये आपका बाहर का व्यू, एक बार हम यहाँ से देख लेते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों से एक इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहूँगा। काफ़ी सारे लोगों को ये बात पता है कि वांगनी में रजिस्ट्रेशन नहीं होता है अभी के टाइम पे। आने वाले दिनों में रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन अभी के टाइम पे रजिस्ट्रेशन पूरा क्लोज करके रखा गया है। तो यहाँ पर बैंक लोन नहीं होगा, फाइनेंस अवेलेबल है जो कि 80% तक आप फाइनेंस कर सकते हो, बाकी 20% आपको डाउन पेमेंट पे करना पड़ेगा। 20% लगभग आपको 5 लाख का आसपास देना पड़ेगा, बाकी आपका फाइनेंस हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।